दिल्ली से उड़ान भरने के बाद हेलीकॉप्टर क्रैश होने तक बिपिन रावत के आखिरी घंटों की पूरी कहानी जानिए हापुड़ हलचल पर। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ललित और आप देख रहे हैं हापुड़ हलचल। हादसे में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत का निधन हो गया है। तमिलनाडु के कुन्नूर में बुधवार सुबह भारतीय वायुसेना का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया था। तमिलनाडु के कुन्नूर में बिपिन रावत को ले जा रहे थे भारतीय वायुसेना के हेलीकॉप्टर को ग्रुप कैप्टन पीएस चौहान और स्क्वाड्रन लीडर कुलदीप उड़ा रहे थे। हेलीकॉप्टर में बिपिन रावत की पत्नी, स्टाफ समेत कुल 14 लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत सुबह 9 बजे स्पेशल एयरक्राफ्ट से पत्नी के साथ दिल्ली से तमिलनाडु के लिए उड़ान भरते हैं। 11:35 पर सुल्लूर में वायुसेना स्टेशन पर उनका आगमन हुआ। यहां से वेलिंगटन जाने के लिए सीडीएस बिपिन रावत समेत कुल 14 लोग हेलीकॉप्टर में उड़ान भरते हैं। इसके कुछ ही देर बाद दोपहर 12:20 पर कुन्नूर में उनका हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। आबादी वाला इलाका करीब होने के चलते कुछ ही देर में स्थानीय लोग मौके पर पहुंच गए। और अब जानिए कि हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद कब क्या हुआ। दोपहर 1:17 पर कुन्नूर में वायुसेना का हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त होने की जानकारी आई। इसमें सीडीएस रावत भी मौजूद थे। 3 का रेस्क्यू किया गया। 1:48 पर सीडीएस रावत को ले जा रहे हेलीकॉप्टर क्रैश मामले में वायुसेना ने जांच के आदेश दिए। दोपहर 2:11 पर कुन्नूर हेलीकॉप्टर क्रैश में 4 शव मिल चुके थे। 3 का रेस्क्यू पहले ही कर लिया गया था। 2:24 पर खबर आई कि हेलीकॉप्टर क्रैश मामले पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे। इसके बाद दोपहर 2:56 पर तमिलनाडु के सीएम स्टालिन ने अधिकारियों को मेडिकल सेवाएं देने के निर्देश दिए। दोपहर 2:57 पर खबर आई कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह कुन्नूर जा सकते हैं। दोपहर 3:08 तक 11 शव बरामद कर लिए गए थे। और इसके बाद 3:17 पर खबर आई कि संसद में कुछ देर बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत पर जानकारी देंगे। दोपहर 3:49 पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। शाम 4:43 पर सेना अध्यक्ष जनरल नरवणे सीडीएस बिपिन रावत के घर पहुंचे। शाम 4:53 पर सीडीएस हेलीकॉप्टर हादसे में 14 में से 13 लोगों के मौत की पुष्टि कर दी गई। शाम 4:55 पर खबर आई कि हादसे में 14 में से 13 लोगों की मौत हो गई है और डीएनए टेस्ट से शवों की पहचान होगी। शाम 5:07 पर पीएम आवास पर शाम 6:30 सीसीएस की बैठक की खबर आई। शाम 6:07 पर खबर आई कि हेलीकॉप्टर हादसे में सीडीएस बिपिन रावत नहीं रहे, वायुसेना ने मौत की पुष्टि कर दी। और शाम 6:46 पर सीडीएस बिपिन रावत के निधन पर राष्ट्रपति कोविंद और पीएम मोदी ने दुख जताते हुए श्रद्धांजलि दी। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कहां जा रहे थे सीडीएस बिपिन रावत। डीएसएससी वेलिंगटन के 8 और 9 दिसंबर को तय कार्यक्रम के अनुसार सीडीएस रावत को 12:35 पर पाइंस के लिए निकलकर 12:30 पर पहुंचना था। इसके बाद 12:35 से 3:30 तक लंच के साथ अन्य कार्यक्रमों में शामिल होना था। 3:30 से 4:45 तक प्रोजेक्ट साइट का निरीक्षण करना था और इसके बाद 4:45 से 5:15 तक ब्रीफिंग में शामिल होना था। जानकारी के मुताबिक इसके बाद 5:30 से 6:45 तक स्टाफ के साथ बातचीत शामिल थी। वहीं शाम 6:45 से 7:55 तक अन्य कार्यक्रमों में शामिल होना था। 8:00 सोशल इवनिंग का समय तय था। इसके बाद 9:00 पाइंस से डिपार्चर होना था। 9:05 पर WGC हेलीपैड पर पहुंचकर वहां से 9:15 पर उड़ान भरने का कार्यक्रम निर्धारित था। तो बेहद ही दुखद खबर, पूरा देश शोक की लहर में डूबा हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं हापुड़ शहर का नंबर 1 न्यूज चैनल हापुड़ हलचल। नमस्कार। हर छोटे बड़े अपडेट के लिए सब्सक्राइब करें हापुड़ हलचल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें।